अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शमा कुकिंग चैनल उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगीजी अगर आप रोज़ रोज़ की चिकन ग्रेवी से खा कर हो गए हैं बोर्ड तो ये बनाई डिश चिकन चंगीजी और सभी को खिलाएं बहुत ही ज़्यादा यमी है और कम मटेरियल में बन जाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम बनाना चलिए देख लेते हैं मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए यहाँ मैंने लिया है एक किलो चिकन इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है यहाँ मैंने लिए हैं तीन बड़े साइज़ की प्याज़ अच्छे से चॉप कर लिया है इसे भी और लिया है सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसन इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है हरी मिर्च लिया है और लेमन और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मसाले इसे मैं रोस्ट करके पीसूँगी खड़ी लाल मिर्च हरा धन पिसा हुआ खड़ा धनिया और जीरा गोल मिर्च और लिया है हरा धनिया यहाँ मैंने रखा है कढ़ाई कढ़ाई में डाला है ऑयल ऑयल मैंने डाला है खाने के चम्मच से तीन बड़े साइज चम्मच से डाला है ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज को प्याज को हमें दम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस मीडियम करना है ना ज़्यादा कच्चा रहे ना ज़्यादा पका रहे बस ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें हम चिकन को शामिल करेंगे आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई ये रेसिपी को बहुत ही अमी बनते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे ये मेरी आपसे गारंटी है वादा है और बस ये अच्छे से थोड़ा हो गया है प्याज़ हमारा बस अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन को चिकन डाल देंगे अब हम बारी बारी करके डाल देंगे चिकन को चिकन डालने के बाद अब इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें हमें चिकन और अनियन को तब तक पकाना है जब तक जो चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज ना हो इंक्रीज़ ना हो तब तक इसे पकाना है तब तक हम कोई मटेरियल इसमें ऐड नहीं करेंगे चिकन को ऐसे ही हमें प्याज में अच्छे से लाल करना है ब्राउन करना है कि ताकि चिकन का जो कलर है वो एकदम परफेक्टली चेंज हो जाए एकदम वाइट तरह आना चाहिए एकदम देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है अब मैं इसे तीन मिनट कुक करूँगी तीन मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है एकदम ये वाइट हो गए हैं अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट सॉल्ट डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और नमक को और तेल प्याज़ में अच्छे से भूनें कि जो नमक है वो अच्छे से गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाए एक मिनट लिए हमें इसे भी कुक करना है सिर्फ एक मिनट लिए एक मिनट हो चुका है जो सॉल्ट था वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है चिकन में अब मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी जो मैंने लिया था अदरक लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटी हुई हमने पेस्ट नहीं डाला है हमने एकदम बारीक करके ही डाला है मशीन में आप काट लें या हाथों से काट लें ऐसे ही बारीक करके चिकन में डाल दें अब हमें तब तक इसे पकाना है जब तक अदरक लहसुन का जो टेस्ट है फ्लेवर है वो चिकन में इनहेंस ना हो जाए और अब मैं इसमें शामिल करूँगी वन टेबल स्पून चिली पाउडर टू टेबल स्पून चिकन पाउडर यानी मसाला उसका चिकन मसाला और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से हमें स्लो फ्लेम में इसे पकाना है अभी मैंने स्लो फ्लेम किया है फिर मैं बाद में हाई कर दूँगी हाई टू मीडियम अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी एक लेमन सूज करके आप चाहे तो आधा भी डाल सकते हैं बट मैंने एक किलो चिकन में एक लेमन यूज़ किया है अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी कम है तो आप हाफ़ लेमन यूज़ करें मैंने यहाँ एक किलो चिकन लिया है तो मैंने एक लेमन का यूज़ किया है बस एक मिनट के लिए कुक करें बस ये अच्छे से पक गया है आप देख सकते हैं गोश्त एकदम अच्छे तरीके से पक गया है गल गया है अब आप एक बार चम्मच से मिक्स करें मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें इसे क्रश क्रश कर लूँगी जो सिनेमन स्टिक मैंने लिया था ऐसे ही क्रश करके तब मैं मसाले में इसे डालूँगी बस डायरेक्टली मसाले में डाल दें इससे जो सिनेमन स्टिक की जो स्मेल है खुशबू है वो अच्छी तरीके से चिकन में इंहैंस हो जाएगी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सिनेमन स्टिक से दाल चीनी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है महक इसकी और भी इनहेंस हो जाती है बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मैंने मसाला लिया था उसे मैंने रोस्ट करके पीस लिया था ग्राइंडर जार में अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन वन से थ्री टेबल स्पून ऐड करूंगी मैं इसमें चिकन में जब हमारा चिकन बन जाए तब आप मसाले को ऐड करें उससे क्या रहेगा इसकी खुशबू भी बनी रहेगी और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा रहेगा बस मसाला डालने के बाद स्लो फ्लेम में इसे एक मिनट के लिए कुक करें हरा धनिया डाल दें ऊपर से बस हमारा चिकन चंगीज़ी बन कर के रेडी है बहुत ही यमी और बहुत ही कम मटेरियल में मैंने इसे इस बनाया है इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आप अगर हमारी रेसिपी को पसंद करते हैं तो घर में ज़रूर बनाएं अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अल्लाह हाफिज़ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा